नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल में एक मृतक युवक के परिजनों ने जमकर बवाल किया, अस्पताल में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और अभद्रता के साथ गाली गलौज भी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को पकड़कर हिरासत में ले लिया। दरअसल पवन जाट निवासी बाई बोड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे परिजन सिविल हॉस्पिटल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम रात में ही कराने को लेकर अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया। वहीं बीएमओ डॉक्टर मनीष सारस्वत ने बताया कि मृतक के परिजनों ने सिविल अस्पताल में तोड़फोड़ करने के साथ ड्यूटी डॉक्टर से मारपीट की, जिसको लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर, एक्सीडेंटल केस ब्रॉड डेड आया था और उसको डॉक्टर साहब ने देखा और देखने के बाद उसको ये घोषित कर दिया कि ये इसकी मृत्यु है, करीब 15 से 20 मिनट पहले हो चुकी है। उसके उपरांत उसको जो है हम लोग ने मर्चुरी रूम में ले रहे थे, इसी पश्चात दो व्यक्ति आए और उन्होंने पीछे से आके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ जो है उनको जो है फिजिकल भी टच किया और उनको जो है फिजिकल भी उन्होंने पलटा किया। क्या कार्रवाई की गई सर इसमें आगे? कार्रवाई हम सभी संपूर्ण डॉक्टर जो है इस कार्रवाई के लिए उनके द्वारा जो है डॉक्टर साहब ने अपनी MLC भिजवाई गई और उनके द्वारा जो भी सरकारी क्षति हुई है, सरकारी सामान की क्षति हुई, जैसे उन्होंने मेन गेट का कांच तोड़ दिए और उसके लिए हमने जाकर FIR कराई है उनके खिलाफ। ठीक सर, धन्यवाद। अगर हाथापाई और तोड़फोड़ के दौरान किसी को भी लग जाती तो बवाल और भी बढ़ सकता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।